हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम जो है हमारा जो फोर्थ चैप्टर है हाउ मैथ्स हेल्प्स अस, वो करेंगे उसकी वर्कबुक। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल अर्थ और ए पोर्शन ऑफ इट ऑन ए फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज कॉल्ड मैथ। हमें क्या बताना है कि जैसे हमारी पूरी धरती है उसके कुछ भाग जो हैं उसमें रेखाएँ खींची हुई है, ठीक है, तो वो क्या है, क्या हमें बताती हैं वो जो है मैप्स होते हैं। मैप्स में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट जो है कलर्स के द्वारा या लाइंस हैं शो करती हैं कि यहाँ पे ये वाला देश है, यहाँ पे दूसरा देश है ना। तो ये सब क्या होता है, ये मैप होता है। अगला है दोज मैप्स विच गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्टिनेंट और ए कंट्री लाइक द माउंटेन्स प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। अब हमें क्या बताना है, उन नक्शों के बारे में बताना है जो कि हमारे देश के पहाड़ों के बारे में, पठारों के बारे में और मैदानों के बारे में हमें बताते हैं। तो वो होते हैं फिजिकल मैप्स। कौन से होते हैं? A1 फिजिकल मैप्स, जिसे हम भौतिक नक्शे भी बोलते हैं। नेक्स्ट है विच कन्वेंशनल सिंबल्स आर यूज ऑन मैप टू शो इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर के लिए जो है वो ये होता है, ये वाली, ये उसके बाद एक फुल स्टॉप, फिर ऐसे फुल स्टॉप, लेकिन ये इसमें दिया नहीं हुआ तो ये गलत है। आपने जहाँ पे ये हो आपने वही सही करना है। नेक्स्ट है विच कन्वेंशनल सिंबल्स आर यूज टू शो स्टेट कैपिटल और अ यूनियन टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। किसी भी स्टेट की अगर हमें कैपिटल बतानी है या फिर हमें जो है यूनियन टेरिटरी बतानी है तो उसके लिए कौन सा सिंबल होता है? उसके लिए सिंबल होता है डॉट वाला, जो मैंने अभी बनाया था ना ऐसा लाइन लगा के, है ना। तो ये जो सिंपल डॉट वाला सिंबल है, ये वाला क्या हमें शो करता है? ये सिंबल हमें शो करता है हमारी कैपिटल और यूनियन टेरिटरी को। नेक्स्ट है वट आर द मैप्स विच एक्सप्लेन इवेंट्स लाइक वॉर, स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन और एन इम्पॉर्टेंट वॉयज आर कॉल्ड। वो नक्शे जो कि हमें लड़ाइयाँ कहाँ कहाँ पर हुई हैं, ठीक है, वॉर क्या होता है, युद्ध वगैरह है ना, तो युद्ध कहाँ पर हुए, लड़ाइयाँ कहाँ पर हुई हैं, या हमारी सभ्यता सिविलाइजेशन क्या होती है, सभ्यता, या फिर जो है हमें बहुत इम्पॉर्टेंट अगर कोई सिविलाइजेशन वॉयज है, मीन्स कि हमारी यात्राएँ हैं या फिर कोई सिविलाइजेशन है, उसके बारे में कौन से नक्शे जो हैं हमें यूज़ करते हैं हम, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है हिस्टोरिकल मैप्स, मीन्स कि ऐतिहासिक नक्शे जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मैप्स दैट डिपिक्टिंग्स डिफरेंट क्रॉप्स, मिनरल्स एंड पॉपुलेशन आर कॉल्ड। अब हमें वो मैप बताने हैं जो कि हमें अलग अलग क्रॉप्स के बारे में बताती हैं, मिनरल्स वगैरह या पॉपुलेशन के बारे में हमें, जिसने हमें खनिज के बारे में, फसल के बारे में या फिर जनसंख्या के बारे में पता चलता है। तो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। आगे हैं इन व्हाट कलर डू वी रिप्रेजेंट प्लेन्स ऑन मैप। जो मैदान होते हैं नक्शों पर उन्हें किस रंग से दर्शाया जाता है? उन्हें जो है ग्रीन कलर से दर्शाया जाता है। आगे हैं हर नक्शे विच डायरेक्शन इज शोज एट द टॉप ऑफ ईच मैप। हर नक्शा जो है, सारे नक्शे जिसे हम कह सकते हैं, जितने भी नक्शे होते हैं उनमें कौन सी डायरेक्शन शो होती है टॉप पर। अगर हम देखें कि ये जो है सबसे ऊपर जो है नॉर्थ होता है, नीचे जो है साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर क्या होता है वेस्ट। तो अब आप बताओ कि सबसे ऊपर क्या है, ये वाला ना, सबसे ऊपर क्या हुआ, नॉर्थ, ठीक है, तो आपने नॉर्थ को टिक कर लेना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला है नॉर्थ डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डैश डायरेक्शन। अब अगर ऐसे ब्लैंक्स हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये बना लेना है कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है। तो अब हमने क्या बताना है कि नॉर्थ के ऑपोजिट कौन सा। अब देखो ये नॉर्थ है, ठीक है, नॉर्थ का ऑपोजिट कौन सा है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, साउथ, ठीक है। नेक्स्ट है ईस्ट डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू डैश। अब देखो ये ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट के ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट, क्या होता है, वेस्ट, ठीक है, ये ड्रॉप कर लो।
आगे हैं, द मैप शोज नेचुरल फीचर्स एज वेल एज मैन मेड फीचर्स आर कॉल्ड डैश। जो मैप्स हमें नेचुरल फीचर्स भी बताती है और मैन मेड फीचर्स भी बताती है वो क्या होते हैं, टोपोग्राफी। क्या होती है? टोपोग्राफी। नेक्स्ट है, स्मॉल स्केल बेस्ड मैप्स इन अ फॉर्म ऑफ बुक आर कॉल्ड। अगर हमें एक बुक में मैप्स वगैरह जो हैं वो दिए जाते हैं या फिर मैप होते हैं वो क्या कहलाती है? आपने देखा होगा एक बुकलेट सी होती है, उसमें अलग अलग तरह के मैप्स जो हैं वो बने होते हैं, चाहे वो फिजिकल मैप हो चाहे वो पॉलिटिकल मैप हो, है ना। तो इसी तरीके से उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है एटलस। क्या बोला जाता है? एटलस। नेक्स्ट है, डिस्टेंस डायरेक्शन एंड डैश आर द थ्री मोस्ट इसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मैप। अब हमें क्या बताना है? तीन ऐसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स बताने हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट जो हैं जिन्हें हम बोलते हैं तत्व बताने हैं, जो कि मैप के लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो होता है डिस्टेंस, एक होता है डायरेक्शन और दूसरा होता है सिंबल। ठीक है, मीन्स की दूरी, दिशा और चिन्ह। नेक्स्ट है ऑन मैप, ओके, ओशियंस आर शोन इन डैश कलर। अगर हम देखें कि हमारे मैप में ओशियंस जो हैं वो किस कलर में शो होते हैं, ओशियंस जो हैं उनका कलर होता है ब्लू। कौन सा कलर होता है? ब्लू। एंड माउंटेन्स आर शोन इन डैश कलर, और जो माउंटेन्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने ये सारे ब्लैंक्स कर लेने हैं। आगे जो हमें डायरेक्शंस बतानी है, आपको बहुत सारी डायरेक्शंस मैंने बताई भी हैं कि यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट, इनके बीच में साउथ ईस्ट, इनके बीच में नॉर्थ वेस्ट, इसके बीच में साउथ वेस्ट। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से आपने ये सारे फिल कर लेने हैं। आगे हैं, कंप्लीट द गिवन माइंड मैप। अब हमें क्या कंप्लीट करना है? माइंड मैप जो है, और सबसे पहला कौन कौन से तरीके के मैप होते हैं? इन्होंने टॉपोग्राफिकल तो दिया ही हुआ है और वॉल मैप भी दिया हुआ है। तो एक होता है हिस्टोरिकल मैप। हिस्टोरिकल क्या होते हैं? जिन्हें हम ऐतिहासिक मैप भी बोलते हैं, हिस्टोरिकल मैप। एक होते हैं एटलस, जो अभी हमने पढ़ा था। डिस्ट्रीब्यूशन मैप भी होते हैं, DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन मैप। और एक होते हैं ज्योग्राफिकल मैप्स। क्या होते हैं? ज्योग्राफिकल मैप्स। ठीक है, तो ये तीन तरह के मैप्स, सॉरी छह तरह के मैप्स होते हैं। एटलस हो गया, वॉल मैप हो गया, टॉपोग्राफिकल मैप इन्होंने बताया हुआ है, वॉल मैप भी आप देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, और ज्योग्राफिकल मैप, डिस्ट्रीब्यूशन मैप हमने लिखा है, एक हिस्टोरिकल मैप लिखा है, और एक कौन सा लिखा है? एटलस। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स हैं आगे। सबसे पहला है मैप्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्लेस, अ कंट्री एंड अ कॉन्टिनेंट। मैप से जो हमें क्या पता चलता है उस कंट्री के बारे में, कि वो कंट्री कहाँ पे है, उस प्लेस के बारे में, या कॉन्टिनेंट्स के बारे में, सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशियंस के बारे में, प्लेन्स के बारे में। ठीक है, हर चीज़ का पता चलता है। हर चीज़ मीन्स कि कंट्री से रिलेटेड, जगह से रिलेटेड, कि कौन सी कहाँ पर है, तो ये ठीक होगा। आगे है डायरेक्शंस प्ले डू नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैप। इन्होंने बताया कि डायरेक्शंस जो है उनका कोई भी इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता, लेकिन डायरेक्शंस जो हैं उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि डायरेक्शंस होगी तभी हमें पता चलेगा ना कि नॉर्थ पे ये है, ये साउथ पे है, ये ईस्ट पे है, ये वेस्ट पे, हम करते हैं ना, जो इसी तरीके से होता है। अगला है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर फोर डायरेक्शंस। मैंने अभी आपको बताई डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं, चार तरह की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बनाई थी ना, तो ये सही हो गया। अगला है कन्वेंशनल सिंबल्स हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस इन मैप। जो कन्वेंशनल सिंबल्स होते हैं, मीन्स के जिन्हें हम प्रमाणिक चिन्ह भी बोलते हैं, उनका मैप्स में बहुत इम्पोर्टेंट जो है प्लेस होता है। हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि डायरेक्शन हो गई,
डिस्टेंस हो गया और सिंबल्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ में, ठीक है? तो ये सही है। अगला है प्लेन्स आर शोन इन ब्लू कलर इन मैप। प्लेन्स को जो है वो ग्रीन कलर में शो किया होता है और ब्लू कलर में हमारे ओशियंस जो वाटर होता है ना उसे शो किया जाता है ब्लू कलर में, ठीक है? अगर तो यहाँ पे ओशियंस लिखा होता या वाटर लिखा होता तो सही होना था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेन्स, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत हमारा, ठीक है? तो इसी तरीके से सारे हमने कर लेने हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, और सबसे पहले है मेन डायरेक्शंस। अब बताओ जल्दी से कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं हमारी, हमने तीन चार बार की हैं। हमारी डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आगे है मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैप। मैप के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड कन्वेंशनल सिंबल। आगे है ब्लू कलर। ब्लू कलर किसका होता है, ब्लू कलर होता है हमारे जो वाटर है, मैंने अभी बताया था कि वाटर का कलर क्या होता है, ब्लू। ब्राउन कलर, ब्राउन कलर जो है वो किसका होता है, माउंटेन्स का, ठीक है? माउंटेन्स का ब्राउन कलर होता है। और प्लेन्स मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रीन कलर के होते हैं, और येलो कलर मीन्स की हाई प्लेस, ठीक है? इसी तरीके से ये हमारे मैथ्स ऑफ फॉलोइंग्स भी हो गए हैं। सो आज हमने जो है फोर्थ चैप्टर जो है हमारा हाउ मैथ्स हेल्प अस, इसकी वर्कबुक सॉल्व की है। सो होप यू लाइक दिस। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू। प्लीज़ डू वन फेवर, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एज मच एज यू कैन। जल्दी से जल्दी जो है इस चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।